सीएम हेल्पलाइन में बदलाव हुआ, अब चीफ सेक्रेटरी भी शिकायतें सुलझाएंगे। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया है। L1, L2, L3, L4 के बाद अब L5 स्तर पर सुनवाई होगी, और सुनवाई नहीं हुई तो मंत्रालय तक तलब किए जाएंगे। तो सेम हेल्पलाइन में अब बदलाव किया गया, अब चीफ सेक्रेटरी भी शिकायतें सुलझाएंगे। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बदलाव होगा, मध्य प्रदेश के लिए भी फैसला लिया गया है। L1, L2, L3, L4 के बाद L5 स्तर पर सुनवाई होगी, और सुनवाई नहीं हुई तो मंत्रालय तक तलब किए जाएंगे। तो सीएम हेल्पलाइन अपग्रेड हो गई है, बदलाव हुआ है सीएम हेल्पलाइन में, अब चीफ सेक्रेटरी भी लोगों की शिकायतें सुलझाएंगे। देखिए, अब चीफ सेक्रेटरी भी शिकायतें सुलझाने का काम करेंगे। गुजरात की तर्ज पर एमपी में फैसला लिया गया है, और L5 स्तर पर सुनवाई होगी, और सुनवाई नहीं हुई तो मंत्रालय तक तलब किया जाएगा। और संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी बदलाव आने वाला है। बिल्कुल सही बात है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, इसमें बताया गया कि 90 दिन से अधिक, करीब 3.5 लाख से अधिक ऐसी शिकायतें हैं जो लंबित हैं। और कल ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, और मुख्य सचिव को ये खास तौर पे कहा है कि शिकायतों का निपटारा समय के भीतर हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर ही L5 यानी कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी अब लोगों की शिकायतों का निराकरण करेंगे। और इसके पीछे की वजह है कि अभी तक L4 यानी कि PS और सेक्रेटरी लेवल तक जब शिकायतें पहुंचती थी तो उसे फोर्स क्लोज कर दिया जाता था, लेकिन अब L5 यानी कि चीफ सेक्रेटरी भी लोगों की सुनवाई करेंगे, इससे मध्य प्रदेश में लोगों की शिकायतों की सुनवाई हो सके और सीएम हेल्पलाइन का ग्राफ भी कम हो। लगातार मध्य प्रदेश में लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी सुनवाई करने में देरी होती है या फिर उन्हें फोर्स क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन अब अधिकारियों को पाबंद किया गया है। और कल जब बैठक मुख्यमंत्री ले रहे थे तभी चीफ सेक्रेटरी ने सभी PS को ये कहा है कि 12 विभाग ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन और ऑनलाइन समाधान ये दोनों ही जनता के फोरम हैं जहाँ पर लोग शिकायत करते हैं। व्हाट्सएप से लेकर मुख्यालय तक, यहाँ भोपाल तक, सीएम हाउस तक यहाँ पहुँचते लोग और शिकायतों का निराकरण करने के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, और अगर कोई शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो अधिकारी बाकायदा टीप लिखकर हस्ताक्षर भी करेंगे कि आखिर कारण क्या है। तो इससे लोगों में एक भरोसा पैदा होगा कि सरकार की सुशासन की वाली नीति है, उसका सरकार पूरी तरीके से पालन कर रही है, और साथ साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है मध्य प्रदेश में।